नार्मदीय ब्राह्मण महासभा का अधिवेशन जेदापुर स्थित रेवा न्यास परिसर में हुआ। दो दिवसीय अधिवेशन के दूसरे दिन खुला अधिवेशन हुआ। इस मौके पर पूर्व कृषि मंत्री एवं कसरावत विधायक सचिन यादव ने आयोजन की सराहना की। समाज में ब्राह्मण समाज अपनी अलग पहचान, अलग मुकाम रखता है। सनातन धर्मावलंबियों के घर किसी भी शुभ काम की शुरुआत बिना ब्राह्मण के नहीं होती। ब्राह्मण समाज हमेशा से ही सम्मान का पात्र रहा है। इस अधिवेशन में होने वाले विचार मंथन से जो निष्कर्ष निकलेगा, निश्चित ब्राह्मण समाज सहित अन्य समाजों के लिए नई दिशा और दशा तय करने वाला साबित होगा। सांसद गजेंद्र पटेल ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से जहां समाज जन एक मंच पर आते हैं, नए विचारों का आदान प्रदान भी होता है, समाज एकजुटता भी बढ़ती है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सूत्र तय किए जाएंगे और उन सूत्रों के आधार पर जब समाज चलेगा तो इससे निश्चित रूप से समाज का और देश का बना होगा। आज के इस अवसर पर, क्योंकि अब वैसे तो दो दिन का आपका अधिवेशन चल रहा है, उसमें कई विषयों पर विचार विमर्श होगा, आगे भी होगा, लेकिन मैं मेरे मन में एक विचार जो चल रहा था, मेरी आपसे सबसे प्रार्थना है कि पूरा ब्राह्मण समाज इस पर भी विचार करके और अपने प्रस्ताव में सम्मिलित करेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ब्राह्मण समाज ने सदैव हमारे हिंदू रीति रिवाजों को, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को आगे तक बढ़ाने का काम किया और सभी समाजों का, सभी वर्गों का नेतृत्व करने का काम भी हमारे ब्राह्मण समाज के साथियों ने करा। मैं इस अवसर पर बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि अभी हमारे बीच में बहुत सारे और साथी अतिथि लोग हैं जिनको अपनी बात अपने वक्तव्य रखना है, मैं निश्चित रूप से आज के इस अवसर पर जो हमारी पूरी आयोजन समिति है, विशेष रूप से हमारे जो खरगोन इकाई के अध्यक्ष हैं भाई सुनील शर्मा जी, उनको मैं अपने तमाम साथियों की तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से, उनको मैं आज के इस दो दिवसीय जो हमारा ये आयोजन हुआ है, ये जो सफल आयोजन हुआ है जहाँ पर पूरे देश से हमारे ब्राह्मण समाज का के नेतृत्व, हमारे ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधित्व आज हमारे इस खरगोन की पावन नगरी में आए हैं, मैं उनको अपनी तरफ से पुनः बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।